पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पाकिस्तान की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। दूसरों से मांगकर अपनी जीविका चलाने वाला पाकिस्तान अब मुश्किलों से चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। क्रिकेट में विरोध और अब व्यापार में भी विरोध हो रहा है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को लेकर गुस्सा ऐसा है कि विरोध का परचम थामे लाखों कारोबारी भी सड़क पर उतर आए हैं। कारोबार क्षेत्रों में भारत की घेराबंदी का असर अब नजर आने लगा है। पहले से ही हाथ में कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आर्थिक मदद की गुहार लगाने वाले पाकिस्तान के अब पसीने छूटने लगे हैं। पाकिस्तान के कारोबारियों को करोड़ों का घाटा हो रहा है, क्योंकि भारत को आयात होने वाला माल उनके यहाँ अब बेकार पड़ा है। पाकिस्तान के ट्रेडर्स के ऊपर करोड़ों रुपए का नुकसान फौरी तौर के ऊपर आ चुका है, क्योंकि उनके ये ऑर्डर्स पुलवामा अटैक से पहले के थे, इसी वजह से वो कंटेनर्स आगे जा चुके थे। लेकिन अब क्योंकि ये टैक्सेस इमीडिएट इफेक्ट की तरह इम्पोज कर दिए गए हैं, इसी वजह से पाकिस्तान के ट्रेडर्स के ऊपर ये लॉसेस बहुत सख्त तरीके से आ रहे हैं। व्यापारियों का गुस्सा देखिए, इंदौर में पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए गए। किराना बाजार में पाकिस्तान से आने वाला छुहारा और सेंधा नमक नहीं लिया जा रहा है, और इसका असर ये है कि करोड़ों का माल अमृतसर बॉर्डर और कराची पोर्ट पर खराब पड़ा है। इंदौर में समझ लीजिए साहब, यहाँ पे करीबन 20-22 व्यापारी हैं, और करीब करीब यहाँ पे साल भर के अंदर 400 से 500 गाड़ियाँ आ जाती है, एक गाड़ी में 340 कट्टे आ जाते हैं। इंदौर में करीब 22 छुहारा व्यापारी हैं, जो करीब 400 ट्रक माल पाकिस्तान से आयात करते थे, लेकिन व्यापारियों ने अपने फायदे से पहले देश के स्वाभिमान को रखा है। 200% कस्टम ड्यूटी के बाद पाकिस्तान की कमर टूट रही है। छुआरे जो इंडिया एक बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है, वो उनकी प्राइस जो पहले उनके मुताबिक 2,22,000 के करीब थी एक कंटेनर की, अब जो है वो प्राइस हो गई है 32 लाख रुपए जनरल सेल्स टैक्स मिलाने के बाद और 200% कस्टम ड्यूटी मिलाने के बाद, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्राइस है। और इंडियन ट्रेडर्स ने मना कर दिया है कि वो इन प्राइसेस के ऊपर पाकिस्तान से इम्पोर्ट्स नहीं कर सकते। इस बीच भारतीय किसानों ने भी बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान भेजे जाने वाले सामानों पर रोक लगा दी है। खास तौर से सब्जियों का निर्यात करने वाले किसानों ने पाकिस्तान में अपने उत्पाद भेजने से साफ साफ मना कर दिया है, और अब पाकिस्तान के लाहौर समेत कई शहरों में सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। सरहद पर तो नहीं है, लेकिन सरहद से दूर होकर भी किसान और कारोबारी अपने स्तर पर पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं, पाकिस्तान को दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की ताकत, पाकिस्तान को बता रहे हैं कि ईंट का जवाब मिलेगा पत्थर से।